Hey guys, this is Arunraj Singh. This is another video on my YouTube channel. If you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel. बहुत motivation मिलती है and पिछले video को आपने काफी appreciate किया जिसमें मैंने honestly and brutally आपको बताया कि कितने घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे games पहुंचने के लिए एंड ऑनेस्टली मैंने सारी बात आपको रखी एंड इस वीडियो में भी मैं आपको एक मोटिवेशनल टॉक देना चाहता हूं रिगार्डिंग द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम. ठीक है, तो गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए सो दैट आपको ये बीच बीच में मोटिवेशनल स्पाइक्स मिलते रहे एंड आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए. ये मोटिवेशन तो चलता रहेगा यार, मेरी साइड से आता रहेगा, पर सेल्फ डिसिप्लिन जरूर याद रखिएगा. उसको डेवलप करने के लिए भी मैं आने वाले समय में एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम का कॉन्सेप्ट जो है ना यार, मैंने रॉक से सीखा है, ड्वेन जॉनसन. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट गाय. आई हैव सीन हिम ग्रोइंग. मैं WWE का गेम खेलता था, स्मैकडाउन वाला जो कंप्यूटर गेम, उसमें रॉक रहता था, जेफ हार्डी रहता था, एज रहता था, उनके साथ मैंने वो जो गेम मतलब वो गेम खेला था मैंने बचपन में. तो उस समय से मैं रॉक का फैन रहा हूँ. मतलब मैंने उनको देखा है ग्रो करते हुए यार, रेसलिंग करियर से मतलब हॉलीवुड करियर में, और अब इतने बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं वो. ठीक है, तो उनका हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहता है. इनफैक्ट विराट कोहली का भी यही कॉन्सेप्ट है कि टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम. एंड मैं बहुत इस चीज से इंस्पायर्ड था 11th एंड 12th में भी अपने, इनफैक्ट 9th एंड 10th में भी. जब मैंने NSO में रैंक 1 सिक्योर की, NTSC क्वालिफाई किया, तो मेरे को दिखने लगा यार कि टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम इज अ टफ थिंग, पर इट इज एक्चुअली वेरी रिवॉर्डिंग. एंड आप यू नो बाई माइल्स आप दूसरे लोगों से अच्छे हो जाते हो. ठीक है, तो इसमें ना मैं आपको एक एनालॉजी देने वाला हूँ कि यार देखो, जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, आप जानते हो बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो इंक्यूबेट करता है अपने आप को. ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करता है आपको, आपके बॉडी में कॉलोनाइज करते हैं वो बैक्टीरिया, अब इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं एंड उसके बाद वो धीरे धीरे सिम्टम्स अपीयर करना शुरू होता है आपके बॉडी में, आप इल हो जाते हो एंड धीरे धीरे वो ग्रेजुअली सिम्टम बढ़ता रहता है अगर आप इंटरवीन ना करो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करो. ठीक है, और वर्सन होता रहता है. तो जैसे ये एनर्जी है ना यार, वैसी एनर्जी होती है हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम की. यू हैव टू हैव अ वेरी रोबस्ट फियर्स एंड अ वेरी अग्रेसिव माइंडसेट. ठीक है, अपने आप को लेके आपको बहुत अग्रेसिव होना पड़ेगा, अपने रिजल्ट को लेके, आप जो चीज अचीव करना चाहते हो, आपके जो गोल्स हैं उसको लेके आपको बहुत फियर्स, अग्रेसिव, रोबस्ट एंड स्ट्रांग माइंडेड होना पड़ेगा कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को करना है तो करना है, आई नीड टू गेट इट एट एनी कॉस्ट. ऐसी फीलिंग जब आप ले आओगे ना यार अपने अंदर, तो होता क्या है ना, आप सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में चले जाते हो. अभी क्या है, जो मैं जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है आप जानते हो, मैं वहां पे ये चीज लोगों के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. डेली क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ पोलिंग के थ्रू, अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक से पिकअप है. क्वेश्चन बैंक अगर आपको लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है नीचे वीडियो के. ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा. तो इन क्वेश्चंस का माइंड मैप जो मैं प्रोवाइड कर रहा ना यार, उनका कॉन्सेप्ट जानते हो क्या, आपको सर्वाइवल मोड में जो आप हो ना, कि यार डेली के डेली वही चीज पढ़ रहे हैं एंड वही सिंपल सिंपल एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो आप गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, मैं पोलिंग करा रहा हूं, तो आप हार जा रहे हो वहां पे 12%, कई बार 30%, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 60% से ज्यादा सिक्योर कर पा रहे हो, 60% लोग सही कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में हो यार, यू आर वेरी सेटिस्फाइड एंड यू आर वेरी यू नो कंप्लेसेंट इन लाइफ कि यार जो मिल जाएगा चिल है, ड्रॉप हुआ ड्रॉप ले लेंगे, एक ही साल तो जाएगा, या फिर प्राइवेट मिला प्राइवेट ले लेंगे, सेमी प्राइवेट मिला वो ले लेंगे, कोई खराब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा वो ले लेंगे. तो आप सर्वाइवल मोड में यार, ये तो वो बात होगी कि यार हाँ जंगल में अटक गए तो भाई खाने को यार बेयर ग्रिल्स की तरह मैन वर्सेस वाइल्ड में, कि हाँ चलो यार सांप खाना पड़ रहा है, कीड़े मकौड़े खाने पड़ रहे हैं. पर यार जब आप एक्चुअली अपने लाइफ में रहते हो तो क्या आप ऐसा करते हो? आप खुद बताओ मेरे को, नहीं करते हो ना ऐसा. आप अच्छी चीजें खाने की कोशिश करते हो, अच्छी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो करने की? जब आपको पूरा कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिला हुआ है लॉकडाउन का, तो आप ग्रोथ मोड में क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, तुम्हें दिखेगा लोगों का. जब मैं रिव्यू डालूंगा ना यार, 40 मार्क्स से लेके वो 300 मार्क्स पहुंच गए, कोई 600 कभी सिक्योर नहीं कर पा रहा, काश के टेस्ट में 675 सिक्योर कर रहा है, 500 कोई नंबर ला रहा था वो 625 तक पहुंच गया हेलन के टेस्ट सीरीज में, ATP स्टार के टेस्ट सीरीज में कोई 695 ला रहा है मेरे क्वेश्चन बैंक के बाद. जब आप ऐसे इंप्रूवमेंट देखोगे ना यार, तो आपको सर्वाइवल मोड में रहने का मन ही नहीं करेगा भाई, आप ग्रोथ मोड में जाना चाहोगे. और ग्रोथ मोड का मतलब क्या होता है ना यार,
एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड, समझ रहे हो? मतलब आप कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एंड जैसे मैंने वो बताया ना यार, बैक्टीरिया आपको इंक्यूबेट कर लेता है, फिर सिम्टम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो आप इंक्यूबेशन फेज में रहोगे, ठीक है? आपका ग्रोथ मोड जो है इंक्यूबेशन फेज में रहेगा, स्टार्टिंग में 2 हफ्ते में जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे, जैसे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में सिम्टम धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है ना, सिम्टम वर्सन करने लगता है, वैसे ही आप इंप्रूव करने लगोगे ग्रेजुअली, एंड आपके अंदर वो हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम का कॉन्सेप्ट आएगा। आप ये दिमाग में रख लोगे कि मेरे को ना यार, मेरे क्लास में जितने बंदे हैं, मेरे बेंच पे जितने बंदे बैठते थे, मेरे रो में जितने बंदे थे, कोचिंग में जितने बंदे थे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में जितने बंदे बैठ रहे हैं, आर्यन भैया के टेस्ट सीरीज में जितने बंदे बैठ रहे हैं, उसमें से मेरा रिजल्ट अच्छा आए या ना आए, मैं सबसे ज्यादा मेहनती इंसान रहूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, कि रिजल्ट आएगा कि नहीं वो नहीं मालूम, पर मैं ग्रोथ मोड में रहूंगा, मैं इंप्रूव करता रहूंगा, एंड मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत करने का टाइटल मिलना चाहिए। जैसे मिलता है ना मिस्टर एंड मिसेस फ्रेशर का टाइटल मिलता है, हाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल मिलता है आपको, वैसे ही मिस्टर जीनियस का टाइटल मिलता है, वैसे ही आपको हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम का टाइटल मिलना चाहिए, कि सबसे लेबोरियस, सबसे डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो है आर्यन भैया के स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट तो आएगी यार, ग्रेजुअली आएगी। जैसे मैंने इंक्यूबेशन पीरियड बोला ना यार, बैक्टीरिया इंक्यूबेट करती है, सिम्टम आएंगे, समय लगेगा, पर इंक्यूबेशन तो हो, तो वही मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको ग्रोथ मोड का इंक्यूबेशन होगा। आप जब ग्रोथ मोड में इंक्यूबेट हो जाओगे, धीरे धीरे आप इंप्रूव ग्रेजुअली करने ही लगोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप हार्डेस्ट वर्कर रूम में आप इंप्रूव करोगे, एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क कर रहे हो, तो जो बंदा आपके क्लासरूम में आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा था, आप उससे आगे निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो याद रखना, टू जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं ना, टू शाइन लाइक अ स्टार यू हैव टू बर्न लाइक अ स्टार। तो स्टार्टिंग में आपको बर्न करना पड़ेगा यार, यू हैव टू बर्न योरसेल्फ, यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ, यू हैव टू डिवोट टाइम, यू हैव टू यूटिलाइज एवरी इंच, एवरी सेकंड दैट यू हैव, राइट? एंड उसके लिए मैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? एंड एक और चीज मैं ये बोलूंगा यार, देखो आप सोते हो, ठीक है, आप कम सोते हो, किसी दिन आपकी आंखें जलने लगती है, आप उस जलन को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अगर आप कम सोते हो, आप ग्रॉगी फील करते हो, दिमाग नहीं चल रहा होता, आपको अगर स्टार की तरह शाइन करना है ना यार, तो आपको बर्न करना पड़ेगा स्टार की तरह। कभी कम सो लिए, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ गया, कोई बात नहीं भाई, बिकॉज यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ स्टार, तो आप ये सब चीजें बेयर कर लोगे, एंड आप मतलब मेहनत करते रहोगे, रुकने वाले नहीं हो, ठीक है? तो मेरा इस वीडियो का मोटिव ये था, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, join the telegram channel, see other people improving, get into the growth zone, get your improvement, improvement in your score, tumhara bhi graph upar jaye, baakiyon ka ja raha hai, tum kyun piche reh gaye? All the best guys, keep hustling, and aage main NTC walon ko bhi guide karunga, KVPY walon ko bhi, mera pura मैं मेहनत कर रहा हूँ, कम सो रहा हूँ, ये सब चीजें करने को, एंड आपको पूरी से पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने को, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ 95,000 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तुम पीछे मत रह जाओ। ऑल द बेस्ट यार।